हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फोटो केमिस्ट्री चैप्टर को सो नेक्स्ट हेडिंग डालीगा ल्युमनी सेंस तो देखिए बच्चों ल्युमनीस क्या होता है ये एक फोटो प्रोसेस है जिसमें लाइट जो है इमिट करता है सब्सटेंस विदाउट द एक्शन ऑफ हीट ऑन इट मतलब वहां पे हीट यूज नहीं हो रही है उसको हीट नहीं दी जा रही है बट वहां पे जो सबस्टांस है वो एमिट कर रहा है लाइट को उसी हम बोलते हैं ल्युमनी सो इट इज अ फोटो प्रोसेस इट इज अ फोटो प्रोसेस in which light is emitted light is emitted by the substance by the substance without the action of action of heat on it ठीक सो इट इज अ फोटो प्रोसेस इन विच लाइट इज इमिटेड सब्सटेंस बाय द सब्सटेंस विदाउट द एक्शन ऑफ हीट ऑन इट और जो बॉडी इमिट करती है लाइट को अंडर दीज कंडीशन उन्हें हम बोलते हैं बच्चों ल्यूमिनेसेंट सो द बॉडी द बॉडी एमिटिंग लाइट अंडर दीज कंडीशंस ल्युमी सेंट कॉर ल्यूमिनिट ल्युमनीसेंट और ल्युमनीसेंस जो है वो हमारी थ्री टाइप्स की होती है जो प्रोसेस है ये थ्री टाइप्स की है फ्लोरिसेंस, कैमिल्युमनिस फ्लॉरिसेंस फॉस्फोरिस ऑफ थ्री टाइप्स ल्युमिस इज ऑफ थ्री टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं फर्स्ट इज फ्लोरिस फ्लोरिस सेकेंड वन फॉसफोरिस एंड थर्ड वन कैमी ल्यूमिसेंस कैमी ल्यूमनीसेंस तो जो बॉडी इमिट करती है लाइट को अंडर डीज कंडीशन उसे हम क्या बोलते हैं ल्यूमिसेट बोलते हैं बच्चों और जो ल्यूमनीसेंस है वो हमारे थ्री टाइप्स का है फ्लोरिसेंस फर्स्ट फ्लोरिसेंस फ्लोरिसेंस फोस्फोरिसेंस एंड लास्ट वन इज सो फर्स्ट हम देखते हैं फ्लोरिसंस को फ्लोरिस फ्लोरिस So, एक रेडिएटिव प्रोसेस होती है इसमें जो है सब्सटेंस है वो लॉस करता है एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में सो इट इज अ रेडिएटिव प्रोसेस इट इज अ रेडिएटिव प्रोसेस ऑफ लॉसिंग एनर्जी बाय एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल और फ्लोरिसेंस जो है हमारी एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ठीक है सो फ्लोरिसेंस फ्लोरिसेंस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस तो देखिए जब हम सब्सटेंस को एक्सपोज करते हैं लाइट में तो ये जो प्रोसेस है हमारी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही हमने सब्सटेंस को लाइट में एक्सपोज किया उसी टाइम पे जो हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जैसे हम लाइट के सोर्स को कट ऑफ करते हैं इमीडिएटली ये क्या हो जाती है हमारी स्टॉप हो जाती है सो इट स्टार्ट इट स्टार्ट एस सुन एज एन एज दी सबस्टांस is exposed to light is exposed to light and it stops immediately immediately when, when the source of light source of light is cut off. ठीक है सो ये जैसे एक्सपोज करेंगे लाइट में उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है और स्टॉप हो जाती है इमिडिएटली जब सोर्स को लाइट के हम कट ऑफ कर देते हैं और जो सब्सटेंस ये एग्जिबिट करते फ्लॉरिसेंस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरिसेंट ठीक है सो द सब्सटेंस दबस्टांस सब्सटेंस विच एग्जिबिट द

So, जो सबस्टांस एग्जिबिट करते हैं फ्लोरिसेंस को नेम क्या बोलते हैं फ्लोरिसेंट बोलते हैं इनके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा लाइक like जो वेपर्स होते हैं हमारे सोडियम के मर्करी के तो इनके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे ये so, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स को वेपर्स ऑफ सोडियम मरकरी एंड आयोडीन जो वापस से सोडियम मर्करी एंड आयोडीन की वो एग्जिबिट करते हैं फ्लोरिसेंस को और जो हमारी लो डेंसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो भी शो करते हैं हमारी फ्लोरिसेंस को सो लो डेंसिटी एंड लो डेंसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ठीक है आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरिसेंस तो समझ में आया फ्लॉरिसेंस प्रोसेस हमारी क्या होती है एक रेडिएटिव प्रोसेस होती है बच्चों ठीक है यहाँ पे लॉस करता है एनर्जी जो हमारे एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो और ये जो प्रोसेस है एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ठीक है और स्टार्ट होती है जैसे सबस्टांस को हम एक्सपोज करते हैं लाइट में और स्टॉप भी उसी टाइम हो जाती है जब हम लाइट के सोर्स को कट ऑफ कर देते हैं और जो सब्सटांस एग्जिबिट करते हैं फ्लॉरिसेंस उन्हें बोलते हैं फ्लॉरिसेंट एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे लाइक वैपर से सोडियम मर्क्रियन आयोजन डीन की और जो हमारी लो डेंसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ओके नेक्स्ट है तो देखिए जो होती है हमारी स्लो प्रोसेस होती है जिसमें जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है एमिट करता है लाइट को इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन सो इट इज अ स्लो प्रोसेस इट इज स्लो प्रोसेस in which in which light is emitted by the excited molecule in the form of light radiation तो ये जो है हमारी स्लो प्रोसेस होती है जिसमें लाइट को एमिट करता है जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो इन फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन और जैसे हम सोर्स को जो लाइट का सोर्स को कट ऑफ भी कर देते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी कंटिन्यू रहती है सो इट कंटिन्यूज इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर दोर्स ऑफ लाइट इज रिमूव ठीक है इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर दोर्स ऑफ लाइट इज रिमूव और जो सबस्टांस शो करते हैं फॉस्फोरिसेंस को नाम बोलते हैं फॉस्फोरिसेंट सो दब्स्टांस इज द सब्स्टांस इज विच शो फॉस्फोरसेंस आर कॉल फोस्फोरिस तो जो सब सानस शो करते हैं फोस्फोरिस को ने क्या बोलते हैं फोसफोरिसेंट बोलते हैं और जो ये जो मेरी प्रोसेस है फॉस्फोरिस मेनली सॉलिड्स के अंदर मिलती है सो इट इज मेनली फाउंड इन सॉलिड्स इट इज फाउंड इन सॉलिड्स एग्जाम्पल्स में इसमें आ जाएगा लाइक like सल्फाइड्स जो होते हैं हमारे कैल्शियम बेरियम की और कुछ जो हमारी ऑर्गेनिक डाइज होती हैं सो so वो शो करती है फॉस्फोरिस को सो सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम बेरियम and some organic dyes organic dyes are the examples of the examples of phosphorescent substances phosphorescent substances ओके, okay. सो so, ये जो प्रोसेस है हमारी फॉस्फोरिसन स्लो प्रोसेस होती है जिसमें लाइट जो है एमिट करता है जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो किसकी फॉर्म में लाइट रेडिएशन की फॉर्म में सेकेंड पॉइंट है ये कंटिन्यू रहता है आफ्टर दी सोर्स ऑफ लाइट इज रिमूव जब हम लाइट के सोर्स को रिमूव भी कर देते हैं तो ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू रहती है और जो सब्सटांस शुरू करते हैं है, है, सॉलिड के अंदर एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे इसमें लाइक सल्फाइड्स ऑफ कैल्सियम बेरियम है और जो हमारी ऑर्गेनिक डाइज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉस्फोरिसेंट सब्स्टांसिसमी लुमसेंस कैमी स सो यहाँ पे क्या होता है इसमें एमिशन होता है विजिबल लाइट का किस वजह से यहाँ पे केमिकल चेंज की वजह से एमिशन होता है विजिबल लाइट का और टेम्परेचर पे उसे हम क्या बोलते हैं कैमी ल्युमनीसेंस सो इट इज इट इज द फिनन इट इज द फिनन ऑफ एमिशन ऑफ Emission of visible light, emission of visible light as a result of chemical change, chemical change at an ordinary temperature. टेम्परेचर सोई फिनल है इसमें क्या होता है एमिशन होती है विजिबल लाइट किस वजह से केमिकल चेंज की वजह से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और यहां पे जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है लाइट एनर्जी में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सो इन विच इन विच इन विच दैमिकल एनर्जी Is transformed into chemical energy at ordinary temperature, transformed into light energy. Okay. सो इन विच दमिकल एनर्जीज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू लाइट एनर्जी एट ऑन टेम्परेचर। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे लाइक like, जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन्स होती हैं वो सो so, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस तो कैमिल्युमीसेंस क्या होता है बच्चे एक फिनोमिनल है एमिशन होती है जिसमें विजिबल लाइट की किस वजह से यहाँ पे केमिकल चेंज होता है उस वजह से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ठीक है और इसमें केमिकल एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है लाइट एनर्जी में ऑर्डनरी टेम्परेचर पे ही एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे लाइक जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है वो आज के वीडियो में हमने कवर कर लिया है ल्युमनीसेंस क्या होता है और ल्युमी के फर्दर जो थ्री टाइप्स हैं फोस्फोरिसेंस, फ्लोरिसेंस एंड कमिल्योम क्या होते हैं इन सभी को सो के स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग